कुछ कहना चाहती हो तुम? वो खड़ा होता बोला, पुष्ट फरिश्ते के सामने थी, चेहरा आतशदान की सिम। वो लोहे की सलाख थामे आतशदान में मौजूद लकड़ियां ठीक कर रहा था। जलती लकड़ियों की गर्मी ने माहौल को पुरसकून किया हुआ था। दीवारों पर नस्ब लालटेन की मध्यम सुनहरी रोशनी ने इस पुरसकून माहौल को खौफनाक बना दिया था। वो इसकी स्पार धीमी आवाज पर उसकी पुश को देखती सोचने लगी वो लफ्ज जिनसे उसको बात का आगाज करना था। वो रात के इस पहर इस सर फिरे खड़ू से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहती थी। मान क्या भरोसा कि वो उसकी किसी अदना सी बात पर ही उसको इस सर्दी में वुड हाउस से बाहर निकाल खड़ा करे। वो मैं परेशानी से उंगलियां मरोड़ती वो इतना ही बोल सकी। आग की लपटों पर नजरें जमाए उसके लबों पर एक पुरसरार सी मुस्कुराहट थी। इस वक्त नहीं निकालूंगा बाहर, कहो क्या कहना है, भारी गंभीर आवाज में कहा गया। वो अपने दिलो दिमाग में चलती गुफ्तगू उसके मुंह से सुनकर आंखें पूरी वाक ये जादूगर की पुश को घूर रही थी। आपको कैसे पता चला कि मैं? उसके लफ्ज मुंह में ही रह गए। डैन ने उसी पल गर्दन मोड़े उसको देखा। आतशदान से निकलती आग की सुनहरी रोशनी में उसकी आंखें सिल्वर की तरह चमक रही थी। मगरूर खड़ी नाक, माथे पर बिखरे भूरे बाल, चेहरे पर अक्सा चट्टानों जैसी सख्ती। फरिश्ते ने उसको देखते अपनी अटकी सांसें बहाल की। तो क्या ये शख्स दिल में छुपे भेद भी जान जाता है? आखिर कौन था ये शख्स? पुरसरार बेइंतहा कड़वा महज आंखों ही से सामने वाले को खौफ के कुएं में धकेल देने वाला। लहजों का उतार चढ़ाव, अनकही बातें समझ जाता हूँ मैं, आंखें भी पढ़ लेता हूँ, स्पार्ट अंदाज में बताया गया। चेहरा वापस आतशदान की तरफ मोड़ लिया। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे बस एक कॉल करनी है घर पर, नरमी से पूरा उम्मीद लहजे में पूछा गया। सिर्फ इतना कहकर इजाजत दे दी थी। वो बेपनाह खुश होती टेबल पर पड़ा फोन उठा गई। दूसरी सिम से कॉल करना हुक्म आया। फरिश्ते ने मुंह बनाते उसकी पूछ को घूरते उसकी नकल उतारी। अगले लम्हे उसको अपनी जानब पलटता देख वो सीधी होकर बैठ गई और कॉल लॉग में हुक्मा का नंबर टाइप करने लगी। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। डैन आतशदान से हटता उसके मुकाबले कोच पर टांग चढ़ाए बैठ गया। दोनों हाथ कोच की पुश पर सीधे फैले थे और नजरें सामने बैठी लड़की के चेहरे पर टिकी थी। हेलो हेलो हुक्मा, आवाज आ रही है मेरी? अनजान नंबर से फरिश्ते की आवाज सुनते उसने अपनी भाभी को दरवाजे से वापस पलटने का कह दिया। हेलो फरिश्ते, कैसी हो? किस नंबर से कॉल कर रही हो तुम? ठीक हो ना? सवालों की भरमार हुई वो पहले मुकाबल बैठे शख्स की गहरी निगाहों से कंफ्यूज हो रही थी। ऊपर से इन्हें हुक्मा साहबा के इतने सारे सवाल। हाँ हुक्मा, मैं ठीक हूँ। वो या मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, मैं अभी एक दोस्त के नंबर से कॉल कर रही हूँ। इसका सफेद झूठ सुनकर मुकाबल बैठे डैन के लबों पर तबस्सुम बिखरा। इसने आईब्रो उचकाते उसको देखा। फरिश्ते ने भी उसको देखते कंधे उचका दिए। अगर अभी इन लोगों को बता देती कि किसी अनजान अंग्रेज के साथ यहाँ इस सुनसान जंगल में हूँ तो उसकी आप को तो दिल का दौरा ही पड़ जाना था। ओ अच्छा, सही, ये लो भाभी से बात करो, हम दोनों तुम्हारे मुतालिक ही बात कर रहे थे अभी। हुक्मा ने मोबाइल आमना की तरफ बढ़ा दिया, जिन्होंने सुकून की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मोबाइल हाथ में थाम लिया। कैसी हो फरिश्ते, तबीयत ठीक है ना मेरी जान? कहीं चोट तो नहीं लगी? ठीक से सो रही हूँ ना? बड़ी बेताबी से उन्होंने जा बजा सवाल उसकी आफियत के पूछने के लिए किए। उनकी मोहब्बत भरी बेताब आवाज सुनकर इसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू अमर आए। मैं ठीक हूँ आपी, कहीं कोई चोट भी नहीं लगी, तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, सोई भी बहुत मजे में हूँ। आप बताइए घर में सब ठीक है? आप ठीक है? फरिश्ते ने भीगी आवाज को नॉर्मल रखे आम से लहजे में पूछा। डैन ने बगौर इसके सुर्ख होते चेहरे का जायजा लिया था। सब ठीक है, तुम बताओ कितने जंगली जानवर की फोटोग्राफी की है तुमने? वो खुशी से उसकी फोटोग्राफी के बाबत पूछने लगी। हुक्मा ने तमानत से इनको देखते शुक्र अदा किया था कि वो भी अपनी बहन के ख्वाबों को कुछ अहमियत दे रही हैं। और ये कहाँ आपी पैर में? गलत इंसान को गलत चीज बताने लगी थी, बिला वजह वो शदीद परेशान हो जाती। मेरी दोस्त के पैर में चोट लग गई थी तो हम जा ही नहीं सके, महज एक जंगली गुलहरी के, किसी की भी नहीं ले सकी पिक्चर, वो दासी से बोली। डैन कब समझ आया कि सामने बैठी लड़की किस तरह उसकी ये शनाख्त जानती है, यकीनन उसका भी ताल्लुक इसी की फील्ड से था। लो भी, ये तो तुम यहाँ भी कर सकती थी, मेस भी जाने का क्या फायदा हुआ? इनकी हैरत में डूबी आवाज मोबाइल के एयर पीस में गूंजी। फरिश्ते नाचार भी मुस्कुरा दी।
मुकाबल में मजीद सख्त न थी। इस जानलेवा चेहरे के उतार चढ़ाव देखने की वो झटके से कौज से उठता वापस आतशदान की तरफ जा खड़ा हुआ। फरिश्ते को लगा कि वो अब डिस्टर्ब हो रहा है इस सब से, जो के दर हकीकत वो भी हो गया था। अच्छा आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरी जान परी को किस कीजिएगा मेरी तरफ से, अब अपने ही फोन से कॉल करूंगी, ओके अल्लाह हाफिज। उसने अल्लाह हाफिज सुने बगैर ही फोन काट दिया था। सियान डियागो में हुक्मा के रूम में बैठी आमना ने हुक्मा को शिकवा कर नजरों से देखा, तुमने इसे सही से बात भी नहीं की। भाभी वो किसी और के फोन से बात कर रही थी, ऊपर से टाइम तो देखिए जरा 12 बज रहे हैं। आराम करें, आप टेंशन ना लीजिए, वो तहम्मल से इनको समझाने लगी। तुम बस अपनी दोस्त की साइड लेती रहना, अच्छा खैर अब तुम भी सो जाओ, देर तक काम ना करना। उसके सर पर हाथ फेरती रूम के दरवाजे की जाना बढ़ गई थी। हुक्मा ने इनकी सिमत मुस्कुराते हुए देखा था और वापस लैपटॉप गोद में रखती कुछ वक्त मजीद काम करने की नीयत से बैठ गई। दूसरी तरफ फरिश्ते ने घबरा कर उसका मोबाइल टेबल पर रखा, आंखों में फिकर लिए उसकी पुश्त को देखने लगी। बात कर ली मैंने डांसर, इसने खुश्क होते होंठों को तर करके कहा, मुड़ा और वहीं अपनी मखसूस जगह पर जा बैठा। वो हकमाना अंदाज था। क्यों आई हो तुम यहाँ? ज्यादा लंबा जवाब नहीं, दी पॉइंट बात करना, बेतासर लहजे में कहा गया था। फरिश्ते ने उसको यूं बदतमीज अंदाज पर आग तो बहुत लगी थी पर खुद पर जब्त करती वो लबों पर मुस्कुराहट सजा गई थी। मैं यहाँ फोटोग्राफी करनी आई थी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना मेरा ड्रीम है, वो एक जज्बे से बोल रही थी। डैन ने सामने बैठी छोटी सी लड़की को देखा जिसके ख्वाब इसके कद से भी बहुत ऊंचे थे। उसने तमस्कर से फरिश्ते को देखते आईब्रो उचकाए थे। फरिश्ते को साफ अपनी जात की सबकी होती महसूस हुई थी। क्या है ऐसी क्यों देख रहे हैं? मैं वाकई बहुत अच्छी फोटोग्राफी करती हूँ, उसकी बात के आखिर में चेहरा नीचे करते वो मुस्कुराया। फरिश्ते का चेहरा गुस्से से लाल भंभूका होने लगा। उसने नीचे रखा और अपना बैग झटके से उठाया, अंदर से अपना कैमरा निकालते ऑन किया। ये देखिए, मजाक बनाने से पहले एक नज़र देख लीजिए, उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में उसकी सिमत कैमरा बढ़ाया, जो डैन ने मुस्कुराते हुए बगैर कुछ कहे थाम लिया। वो कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर देखने लगा। चेहरे पर मुतासर होने की जरा भी रमक ना थी, लेकिन दिल ही दिल में वो मुतासर हुआ था इन सब तस्वीर से। हर तस्वीर बेहतरीन एंगल से ली गई थी, लाइटिंग का खास ख्याल रखा गया था, व्यू भी जबरदस्त चूज किए गए थे। कमी थी तो सिर्फ ये कि तस्वीर में एक भी जंगली जानवर ना था, जिनकी फोटोग्राफी का ड्रीम पाले रखा था मोहतरमा ने। इसने आगे बढ़ते कैमरा टेबल पर रख दिया था, वापस अपनी उसी पोजीशन में बैठ गया। फरिश्ते ने कंधे उचका कर आईब्रो चढ़ाए, उसको देखा जवाबी ही अंदाज में। डैन ने भी उसको देखा। क्या है, देखी नहीं आपने? इसने जलते हुए पूछा। मुकाबल मुस्कुराया। इनमें वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कहाँ है मोहतरमा? तंज में डूबे लहजे में सवाल किया गया। फरिश्ते के चेहरे पर साया से आकर गुजर गया। मुझे मौका जो नहीं मिल सका, और जब मिला तो ये हो गया। उसकी आवाज में वाजे दुख की बाजगुश थी, जो डैन ने भी महसूस की थी। कोई बात नहीं, कल मैं जाऊंगा एसपी रेंड्रे के फोटोग्राफर्स लेने, यू कैन ज्वाइन मी। वो खुद को न रोक सका सामने बैठी लड़की को ऑफर करने के लिए। वो जो इन मौकों पर प्रिंस को भी साथ ना लेकर जाता था, अब इस टेप रिकॉर्डर को ऑफर दे गया ना जाने क्यों। उसका ये अंदाज खुद उसके लिए खैर था। दूसरी तरफ फरिश्ते तो खुशी के साथ में आसमान पर थी, इसलिए फोटोग्राफी वो भी इतने नायाब जानवर की, वो भी डैन नाइट के साथ। उफ ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं ये तो। मैं वाकई इसको सामने बैठे शख्स की इंटेंशन पर शुबा हुआ था। अपने सीने पर उंगली रखे मासूमाना तरीके से उसने सवाल किया था, आंखों में हैरत बेपनाह थी। डैन का सर उसको देखकर खुद ब खुद असबात में हिल गया था। वाह कितना मजा आएगा, मैं सीखूंगी भी आपसे। उफ मैं तो अभी से इतनी खुश हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो खुशी से खड़ी होती उसको देखने लगी और फिर बच्चों की तरह कॉज के इर्द गिर्द टहलना शुरू हो गई। कल की प्लानिंग अभी से खूब जारी थी। बेसाख्ता आगे बढ़ते डैन ने उसका हाथ थामा, आंखों में खमार हचकोले खा रहा था। फरिश्ते ने चौंक कर उसको देखा, फिर उसके नरम ग्रिफ्ट में अपने हाथ को। डैन सर उठाए उसकी आंखों में देख रहा था, जिसमें हैरत का जहान आबाद नजर आया उसे। प्लीज बैठ जाओ, मदम लहजे में अजीब गुजारिश थी। फरिश्ते ने सर पटा कर उसको देखा कि अचानक ये क्या हो रहा है इन्हें, जबकि दूसरी तरफ उसके कॉज के इर्द गिर्द यूं घूमना, साथ साथ झूमते बाल, खुशी से चमकता चेहरा, वजूद से उड़ती धीमी महक जो उसके साथ ही पूरे लॉन्च में रक्षा करने लगी। डैन के अंदर दफन तमाम एहसासात को वो जगा रही थी। हाथ तो छोड़िए, फिर ही बैठूंगी ना, फरिश्ते ने सटपटा कर कहा। डैन ने यकदम उसका हाथ छोड़ा।
सर के बाल हाथों में दबोचे वो सर कोच की पुश्त से टका गया। फरिश्ते ने परेशानी से उसको देखा, अलबत्ता अब सामने वाले कोच पर बैठ चुकी थी। डैन सर, क्या आपके सर में दर्द हो रहा है, वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। इसकी परेशान सी आवाज बचे हुए तमाम एहसासात भी बेदार कर चुकी थी। वो झटके से सीधा हुआ, सुरखोती आंखों से सरसरी तौर पर फरिश्ते को देखा। जानता था अगर इस बार ज्यादा देख लिया तो वापसी नामुमकिन हो जाएगी। सामने टेबल पर पड़े सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाता उसने होंठों से लगा ली। सर सीधा कांच पर टका दिया, आंखें छत को घूर रही थी। सर, वैसे हमारे ग्रुप के साथ जो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स की टीम है, उन्होंने कहा है कि इस मौसम में रेनडियर नहीं निकलते जंगल में। उसे मलिसा की कही बात याद आई जो वो उसने फोटोग्राफर्स के ना जाने की वजह बताई थी। डैन सीधा हुआ, सिगरेट का धुआं उसकी सिम छोड़ते मगरूर सा मुस्कुराया। तभी इनकी कोई पहचाननी डैन नाइट नंबर 1 है। गुरूर में डूबा लहजा, आंखों में भी फतह मंदी का खमार था, और होता भी क्यों ना। ही वॉज इन डीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। फिश्ते उसको देखकर नरमी से मुस्कुरा दी। कुछ लोगों पर गुरूर उनकी मेहनत के बायस बेइंतहा जचता है। डैन नाइट इनमें से एक था। अच्छा, इसके अलावा भी तो कुछ बताइए अपने बारे में। शादीशुदा है आप? किसी की शादी? इतना क्यूट बेटा है आपका। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ मैं। इसका अच्छा मूड देखकर वो भी धड़ाधड़ सवालों की भरमार उसके सामने लगा गई। डैन का चेहरा एक बार फिर बेतासर हुआ था। शादी एक महज कॉन्ट्रैक्ट के और कुछ नहीं, सपाट अंदाज में कहा गया। फरिश्ते ने आंखें फाड़े उसको देखा। कुछ लम्हे पहले वाले चेहरे पर खुशी फौरन हवा हुई थी। डोंट टेल मी डैट यू डोंट बिलीव इन लव, फरिश्ते ने चलाते हुए कहा। आंखों में हैरत भरी थी। बिलीव करना दूर की बात, मोहब्बत नामे लफ्ज पाया ही नहीं जाता। और जो लोग इस लफ्ज को जज्बा समझकर बयान करते हैं, अगर ऐसा है भी तो नफरत है मुझे इन जज्बों से। भारी मदम चलता हुआ लहजा था। फरिश्ते ने आस्तीन चढ़ाकर इसको देखा। बहस का टॉपिक चल चुका था, मोहब्बत से नफरत है। किस किस्म के इंसान है आखिर आप? मोहब्बत तो जिंदगी है, हम सबका वजूद मोहब्बत के खूबसूरत होने की दलील है। ये जज्बात, ये सभी तो मोहब्बत है। कैसे आपको नहीं लगता कि मोहब्बत पाई नहीं जाती, इसने अपनी बातों पर जोर देते कहा। डैन ने तलखी से मुस्कुराते उसको देखा। ये अफसानी बातें ना करो, अगर तुम कहती हो कि मोहब्बत है तो मुझे दलील दो किस तरह। अपने घुटनों पर कोहनियां जमाते वो जरा आगे को झुका था। सुर्खी माइल आइस ब्लू आंखें चमकती शहद रंग आंखों में गड़ी थी। किसी को देखकर आपका दिल थम जाए, ये मोहब्बत है। किसी की परवाह आपको सुबह शाम हो, ये मोहब्बत है। किसी की आंख से गिरा एक आंसू आपको अपने दिल पर गिरता मालूम हो, ये मोहब्बत है। महबूब का दर्द आपको अपना दर्द लगे, यही तो मोहब्बत है। इससे ज्यादा आपको मोहब्बत के बाबत क्या बताऊं? वैसे चाहते हैं अगर तो बासानी में बता सकती हूँ, पूरे एतमादी से कहती। वो इसकी पूछे के सवाल की अपनी तरफ से बेहतरीन दलील दे चुकी थी, मगर मुकाबले के दिलो दिमाग में रहती बराबर मोहब्बत की कोई वक्त ना पैदा कर सकी। फिर वही अफसानी बातें, कोई ऐसी बात बताओ जिसको तुम साबित भी कर सको। डैन का इत्मीनान लहजे में तमानियत हनूज बरकरार था। फरिश्ते पहलू बदल कर रहेगी। आप इतना बोल रहे हैं, चले आप ही बता दें मोहब्बत की असल डेफिनेशन, इसने जलते हुए कहा। डैन ने मुस्कुरा कर उसको देखा था। मोहब्बत कुछ नहीं, जस्ट हार्मोनल अट्रैक्शन है। दिल का थम जाना कुछ नहीं है, दिल थम गया तो पूरा वजूद थम जाएगा लड़की, तमक्सर भरे लहजे में जवाब आया। फरिश्ते ने आंखें फाड़े शख्स को देखा जिसकी नजर में मोहब्बत इतना हकीर जज्बा था। अरे इतना हैरान हो, मैं सच कह रहा हूँ, मर्द औरत के दरमियान क्या तल्लुक है, महज हार्मोन्स का ही तो खेल है ये सब। जिस्मानी सुकून हासिल करना हो तो उसको मोहब्बत का नाम दे दो, जहनी दबाव का शिकार हो तो एक खूबसूरत साथी के हमरा थकन उतार लो, योर चॉइस। कंधे झुकाकर वो मजे से बोला। फरिश्ते को अफसोस हुआ था इस शख्स की सोच पर। आप शादीशुदा होकर भी ऐसी गलत गुफ्तगु कर रहे हैं मोहब्बत के मुतालिक, आपका तो एक बच्चा तक है, क्या आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? लहजे में उस शख्स की बीवी के लिए एक अनजाना सा तासुफ और अफसोस दर आया था। एक तो तुम बेसरोपा गुफ्तगू करती हो लड़की, पहले ही बता चुका हूँ शादी दो लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, कभी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और कभी किसी और की। मेरे केस में शादी किसी और की सर्टिफिकेशन के लिए मैंने की है, इसे ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखती मेरी बीवी और मेरी शादी मेरे लिए। हाँ, कुर्बत के लिए कुछ लम्हे मयसर आ जाए तो वो अलग बात है, वैसे मेरी नज़र में ये सब भी बेवकूफ़ी है और आजाद के हाथ में अपना आप सौंपना महज एक संगीन खता है। डैन अपनी बात मुकम्मल करके सीधा हुआ, फरिश्ते के चेहरे को देखा जिस पर अफसोस साफ आया था।
आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई नहीं, तभी आप ऐसी बातें करते हैं। मुझे पता है, क्या लगता है आपको देखकर, आपको मोहब्बत होगी भी नहीं, इश्क होगा आपको और इश्क मोहलिक है मिस्टर डैन नाइट। फरिश्ते का लहजा इस पल मदहम बहुत कुछ बावर कराता हुआ था। डैन इसकी बातें कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता, सर झटकते खड़ा हुआ और अपना स्वेटर उतारते इसके कदमों का रुख अपनी सीढ़ियों की जानब था। फरिश्ते ने सटपटाकर फौरन अपनी नजरें उसके वजूद से हटाई थी। मोहब्बत कुछ नहीं, महज हार्मोनल अट्रैक्शन है, एंड आई विल प्रूव दैट टू यू। एक आखिरी नजर उसके सुर्ख होते चेहरे पर डालता, झुककर अपने जितने वजन के सोते हुए प्रिंस को दोनों बाजू में उठाया और ऊपर की जानब बढ़ गया। चाल में कोई लड़खड़ाहट ना थी, बावजूद इसके के बाहों में इतना भारी जानवर है। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो फरिश्ते गर्दन ऊंची करके चिल्लाई, और मेरी कही हुई बातें आपको वक्त प्रूव करके दिखाएगा मिस्टर डेनाइट। उसकी जली हुई तेज आवाज सुनकर डैन के लबों पर तमस्कर भरी मुस्कान उभरी। अगले लम्हे वो सारी फरिश्ते से की गई गुफ्तगू नजरअंदाज करते बेड पर घिरने के अंदाज में लेटा सोया। प्रिंस उसके बराबर उसकी पुश पर सर रखे नींद में था, जबकि नीचे बैठी फरिश्ते की हालत अब भी गैर थी। उसकी कही हुई बातों ने अब तक उसके दिल में आग बरपा किए रखी। इतनी अच्छी शक्ल, उस पर इतनी गंदी सोच, छी छी छी, मुझे तो इनकी बेचारी बीवी पर तरस आ रहा है, मासूम औरत। अफसोस से कहते वो कोच पर लेट गई, साथ ही टेबल के नीचे रखा ब्लैंकेट खुद पर डालकर आंखें मूंद ली। वो सुबह जंसी पहुंची तो पहले ऑफिस से बुलावा आ चुका था। अपना बैग डेस्क पर रखते हुए वो मैम जेसिका के ऑफिस की जानब बढ़ गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर इसने ऑफिस के अंदर कदम रखा। सामने अपनी चेयर पर मैम जेसिका सर हाथों में थामे बैठी थी। हुक्मों को झटका लगा इनको यूं बैठे देख। अच्छा भला सब ठीक तो चल रहा था कंपनी में, फिर मैम इस कदर परेशान क्यों थी? गुड मॉर्निंग मैम, क्या हुआ, परेशान लग रही है, कुछ बात है? हुक्मा की आवाज पर चौंक कर उन्हें सर उठाया। जी हुक्मा, इधर आइए, बैठिए प्लीज। वो उनके परेशान लहजे पर गौर करती है, टेबल के सामने पड़ी चेयर घसीट कर बैठ गई। अभी कुछ देर कबल ये कॉन्ट्रैक्ट मौसूल हुआ है FS रॉयल्स की तरफ से, आप पढ़िए। उन्होंने खाकी लफाफे में से कॉन्ट्रैक्ट निकालते उसके सामने रख दिया। हुक्मा ने हाथ बढ़ाते कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया, जिसमें दर्ज था, 1 साल तक आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज हुक्मा साकब हमारी फर्म में होने वाले तमाम छोटे बड़े इवेंट्स लीड करेंगी हमारी टीम के साथ। बासूरत दीगर अभी जिस इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट दोनों कंपनीज के मबैन वो खत्म कर दिया जाएगा, साथ ही स्पार्कल्स को की चेयरपर्सन जेसिका हार्बर्ट को इवेंट में लगाए गए तमाम अखराजात अपनी जेब से पूरे करने होंगे। नया बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हुक्मा साकिब को हर हाल में पूरे 1 साल तक हमारी फर्म के साथ काम करना होगा। अगर उन्होंने कुछ भी कहकर कॉन्ट्रैक्ट में लिखे रूल्स की नफी की या कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की कोशिश की तो स्पार्कल्स एंड को की ओनर को इस सब की बिहाफ पर 9 मंथ की जेल होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी तहरीर पढ़कर तो इसके पसीने छूट गए। मैं ये क्या मजाक है, ऐसे कैसे ये हमें हर तरफ से बॉन्ड कर सकते हैं? ये गलत है मैम, हमें इनकी फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करानी चाहिए। इसने कॉन्ट्रैक्ट गुस्से से टेबल पर धकेला और खड़ी हो गई, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ हम कौन सी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं हुक्मा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मैं क्या करूं? वो परेशानी से बोली। हुक्मा ने पहलू बदलते उनको देखा, समझ तो उसको भी नहीं आया था इस अजीब से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। मैम अगर आप कहिए तो मैं मिस्टर सोहराब से बात करूं, मुझे फर्म ही जाना था अभी इवेंट में होने वाले खराजात के बाबत डिस्कशन करने के लिए। इसके बाद सुनते पूर्व उम्मीद होकर जेसिका ने सर हिलाया। हुक्मा ने आगे बढ़कर टेबल पर रखा कॉन्ट्रैक्ट अपने कंधे पर लटके बैग की जिप खोलते उसमें डाला और बैग वापस कंधे पर डालते वो ऑफिस से बाहर निकल आई। पूरा इरादा था सरहाब तालब से मुलाकात करने का। वो अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर मसरूफ था कि जबकि इंटरकॉम बजा। यस, सरहाब की भारी आवाज ऑफिस की खामोश फिजा को चीर गई। मुकाबल सेक्टर की बात सुनकर उसके लबों पर तबस्सुम बिखर गया। हाँ भेज दो, कहते ही इंटरकॉम वापस टेबल पर रखा था। सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी ज्वालिन पर हाथ फेरते हुए वापस लैपटॉप की तरफ मतवजा हुआ। बेसब्र सब्ज आंखें बार बार दरवाजे को देख रही थी। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला। सरहाब की नजरें बेताबी से दरवाजे की सिमत उठी थी। हुक्मा ने सर अंदर करते इजाजत तलब की थी। मे आई कम इन सर? सरहाब ने अपनी नजरों को काबू में करते इनको वापस लैपटॉप पर मोड़ लिया था। यस, उसकी गंभीर आवाज सुनते हुक्मा ने अपने कदम ऑफिस में रख दिए।
उसके अंदर आते ही सुहाब ने न जाने कौन सी बटन प्रेस करते ऑफिस के तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे लॉक कर दिए। फजा में गूंजने वाली टिक टिक की आवाज पर हुक्मा ने परेशानी से अपने पीछे दरवाजे को देखा। सुहाब के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी जिसको अगले लम्हे वो पीछे धकेल गया था। आइए बैठिए, उसके मुकाबल बैठने की दावत देते नजरें लैपटॉप से हटाता उसका जायजा लेने लगा। आज पीले रंग का हजाब लिया हुआ था जिसमें सफेद मासूम सा चेहरा चमक रहा था। गहरे नीले कोट पैंट के हमरा येलो स्ट्रिप के नाजुक से वॉच हाथ में बांधी हुई थी। उस रंग में वो उसको सूरजमुखी का खिलता हुआ फूल लगी थी। नजरों की बेताबियों पर जरा बंद बांधे तो वो नजरे उस पर से हटा गया। जबकि हुक्मा पूरा तमाम चलती हुई टेबल के नजदीक आई, चेयर घसीट कर उसके मुकाबल बैठ गई। ये डोर्स भी से कैसी आवाज आई थी अभी, वो अपने आप को पूछने से ना रोक सकी। सुहाब ने सब आंखें लैपटॉप से उठाते उसको देखा था। None of your concern, जिस काम के लिए आई है वो बात करें, नजर उसके चेहरे के उड़ते रंग पर रखे स्पार्ट अंदाज में कहा गया था। अब वापस लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। हुक्मा ने अपने अच्छे भले एतमाद को मुकाबल बैठे शख्स के लहजे और निगाहों के बाइस डगमगाता महसूस किया था। ब्लैक ड्रेस शर्ट के साथ ब्लैक ग्लासी टाई लगाए, ग्रे ड्रेस पैंट में मलबूस, डार्क ब्राउन बालों को नफासत से सेट किए, चौड़ी खूबसूरत कलाई में पैटक फिलिपाइन की स्याह महंगी तरीन वॉच जगमगा रही थी। चेहरे पर ब्ला की संजीदगी थी, सब चमकती आंखें लैपटॉप पर जमी थी। मुकाबल बैठा शख्स इसी की भी सीटी आसानी से गुम कर सकता था, फिर वो तो पहले काफी डरपोक वाकया हुई थी। सर, ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट मसूल हुआ है हमारी एजेंसी को आपकी फर्म की तरफ से, इसने अपना हल्क दर करते आवाज में एतमाद बहाल करके कहा। सर आपने इसकी बात सुनने के बावजूद भी कोई रिएक्शन ना दिया, हुक्मा दोबारा बोलना शुरू हुई। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये तो सरासर हमें बॉन्ड करने वाली बात हुई कि हम चाहकर भी नहीं कर सकते। वो तो हमल से अपनी बात कह गई। मुकाबल हनूज लैपटॉप पर मसरूफ रहा, हुक्मा को अब गुस्सा आने लगा था। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, हुक्मा ने अपनी डगमगाती आवाज को खातर खार नॉर्मल रखते कहा। मैं कानों से सुनता हूँ आंखों से नहीं मिस हुक्मा साहिब, सुहाब ने नजरें उठाकर उसको देखा। लैपटॉप एक हाथ से झटके से बंद करते अपनी चेयर से खड़ा हुआ। हुक्मा भी परेशानी से उसको देखती खड़ी हुई थी जिसके सबब अचानक सुहाब के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। जिसको रोकना नामुमकिन सा था उसके लिए, तभी वो अपनी पुश उसकी जानब करके खड़ा हो गया। आई एम रियली सॉरी, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली और सर झुका गई। बैठिए वापस, पुश उसकी जानब रखे बोला था। हुक्मा वापस चेयर पर बैठते अपना निचला होंठ चबाती उसको देखने लगी थी। सुहाब उसकी सिमत मुड़ा उसके तक चलता हुआ आया। हुक्मा सर उठाए उसकी परेशान नजरों से देखती रही, होंठ हनूज काट रही थी अपना। सुहाब ने हाथ बढ़ाते उसका सुर्ख होंठ अपने सीधे हाथ के अंगूठे की मदद से उसके दांतों की कैद से आजाद किया। हुक्मा सटपटाकर पीछे हुई थी जब सुहाब ने उसके भीगे होंठ के किनारे पर अंगूठा फेरते अपना हाथ वापस खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है सर, वो अटकते हुए कहती अपनी चेयर पीछे की जानब धकेल कर खड़ी हुई। सुहाब की जज्बात लटाती नजरें अब इसके चेहरे के परेशान कूश का तवाफ कर रही थी। बदतमीजी तो आप कर रही थी, वो भी काफी देर से, बेतासर अंदाज में कहा गया। मैंने क्या किया, वो हड़बड़ा कर बोली। सुहाब के लबों पर बेसाख्ता तबस्सुम बिखर गया। कब से इनको अजियत दे रही थी, किसी की अमानत है ये, अमानत में खयानत कैसी। वो मखमूर होती आंखें उसके सुर्ख होते होंठों पर जमाए हाथों को इनको छूने से बाज रखे बोला। कि क्या मतलब है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो शदीद परेशान होने लगी थी अब इस शख्स की अजीब सी गुफ्तगू से। लगता है दोस्त सराहता नहीं है तुम्हारी इस खूबसूरती को। खैर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट का बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो चेक किया था सब ठीक ही लगा था मुझे, आम से लहजे में कहता वो वापस अपनी चेयर पर जा बैठा था। उसको दूर होता देख अपनी सांसें बहाल करती सीधी खड़ी हो गई थी। उसकी शुरू की कही बात इस परेशानी में हुक्मा के सर के ऊपर से गुजर गई। अलबत्ता कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनते ही समात फौरन बेदार हुई थी। सर हम तो इनकार ही नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी हाल में, वो परेशान होती बोली। सहराब मुस्कुराया, बोझल होती आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी। तो इकरार कर दो ना, लहजे में चाहती ख्वाहिश और गुजारिश भी। हुक्मा ने चौंक कर उसको देखा। ऐसी कैसे सर, वो लड़खड़ाती जुबान पर काबू रखते बोली। सुहाब ने हाथ उठाते उसकी बात को बीच में काट दिया था। आपको खुश होना चाहिए, कैलिफोर्निया की नंबर वन आर्किटेक्ट फर्म में बाहैसियत इवेंट मैनेजर आप एक साल तक वर्क करेंगी, इज्जत शोहरत पैसा सभी तो मिलेगा आपको।
हुक्मा उसकी बात सुनते पहलू बदल कर रह गई थी। मगर उसका लंबा मगर सुनते सुहराब ने नजरें उस पर से हटाते लैपटॉप पर वापस खोल ली थी। नहीं करना तो ठीक है, मना कर दिया, ताकि फिर महज आपकी इस खुदसरी के बायस न जाने कितने बेरोजगार स्टूडेंट्स को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगी। इसने अफसोस करने की भरपूर अदाकारी करते हुए कुन अखियों से हुक्मा के चेहरे के बदलते तासरात देखे। ये क्या, ये शख्स सामने खड़ी मासूम लड़की को कायल कर चुका था? आप सही कह रहे हैं, ये तो ज्यादती हो जाएगी मुझसे, मैं साइन कर। वो बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगी थी कि वो बोला, नहीं नहीं मिस हुक्मा साकिब, आप आराम से सोचिए, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। आवाज में खातर खा नरमी की अमेजिश रखे बोला, दिल ही दिल में अपनी चलाकी पर खूब हंसा भी था। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी वजह से कितने मेरे फ्रेंड्स बेरोजगार हो जाएंगे, मुझे क्या मसला होगा साइन करने में, मैं कर देती हूँ। इसने फौरन कॉन्ट्रैक्ट बैग से निकालते टेबल पर रखा, झुककर उस पर साइन करने लगी। सर आपके चेहरे पर पुरसरार मुस्कुराहट सजाए इसके येलो हिजाब में लिपटे चुके सर को देखा। लोगों की फितरत जीतना कोई तुमसे सीखे सुहराब ताल, मुस्कुराते हुए उसने खुद को ही सराहा था। साइन करने के बाद हुक्मा ने कॉन्ट्रैक्ट उसकी जानब खिसकाया था। ये लीजिए सर, हो गया, मैं चलती हूँ, फिनांस डिपार्टमेंट से बात भी करनी है, वो पुरस्कून से अंदाज में बोली। दिल पर बड़ा बोझ अब ना होने के बराबर था। मासूम तो जानती नहीं थी, औरों को तो बचा लिया पर खुद बहुत बुरा फंसी है। सुहराब ने उसकी बात सुनते मुस्कुराहट जब्त की और सर इस बात में जुम्बश देते तमाम दरवाजे अनलॉक कर दिए थे। हुक्मा ने प्रोफेशनल मुस्कुराहट उसके सिम तो उछाली और कंधे पर लटकाया बैग हाथ से ठीक कर दी, ऑफिस से बाहर निकल आई। उसके बाहर निकलते सुहराब का जानदार कहका पूरे ऑफिस में गूंजा था, बेवकूफ। ये कहते उसने चमकती आंखों से कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद हुक्मा के दस्तक देखे, इन पर शहादत की उंगली फेरने लगा। लबों पर पुरसरार सी मुस्कान थी।